एक सैड न्यूज़ है कि गाड़ी शुरू होने का नाम नहीं ले रही है, चालू होके बंद हो जा रही है। पता नहीं क्या दिक्कत है गाड़ी में, लेकिन अभी मुंह जो है सूख गया है कि अब क्या पता चालू होगा अभी कि नहीं। थोड़ा देखो तो चालू करते हैं एक बार। लगता है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। गर्म है भैया बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर रुकेंगे और इंतज़ार करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुगला लाइव चैनल के एक और नए ब्लॉग में। और आज हम आपको ले चल रहे हैं अपने स्कूल पे, जहाँ पे हमने पास आउट किया 12th। और बहुत दूर है, 90 किलोमीटर है दूर। और अभी बज रहे हैं 8:30 के करीब और हम पहुँचेंगे लगभग 11 बजे के करीब। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी और आपको पूरी इंटरेस्टिंग वीडियो बना के देने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी और लेके चलते हैं आपको अपने स्कूल पे। तो अभी हम लगभग 40-45 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और आप जो सूट्स देख रहे थे वो इस फ़ोन का था। बताना ज़रूर कमेंट में कि इसके सूट्स कैसे लग रहे थे। वैसे ये फ़ोन पड़ा हुआ था मेरे घर पे, मैंने सोचा कि इसका कुछ काम लेते हैं। ये स्टिक भी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो इसका वो यूज़ करते हैं, नहीं तो शायद आपको इतना सी चीज़ देखने को नहीं मिलता जितना हम लोगों ने रिकॉर्ड करा है। और बाकी ये एक बहुत ही गंदा रोड है, बहुत ही घटिया रोड है और इसी की वजह से कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ये डर से कि कहीं ये निकल के गिर ना जाए, इसलिए आपको इस रोड का शॉर्ट नहीं दिखा रहे। और साथ में हमें मैप पे देखना पड़ रहा है कि रोड कैसा है, किधर से जाना है। तो अभी हम लोगों को लगभग 50 किलोमीटर और दूर जाना है और लेके चलते हैं आपको। लेकिन इसका बताना कि आपको इसके वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। ये ब्लैकबेरी का फ़ोन है मेरे पास, लगभग 3 साल पुराना है ये, तो इसका बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा होगा तो आगे यूज़ करेंगे इसको। फ़िलहाल आपको लेके चलते हैं आगे। तो अभी हैं हम, ये शायद बड़हलगंज वाला रोड है डायरेक्ट जो बड़हलगंज जाएगा। अभी हम लोगों ने लगभग 70-80 किलोमीटर कवर कर लिया है लगभग 2 घंटे में और ठीक ठाक एवरेज है। और गाड़ी जो है वो थोड़ी सी मुझे लगता है गर्म हो चुकी है, रास्ते में थोड़ा सा सिग्नल दे रही थी बट कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने इसका यूज़ कर दिया। और इतना घटिया रोड है, इतना ज़्यादा कूद फान है रोड में कि बस ऐसे लग रहा है कि गाड़ी को मतलब थोड़े से रुकने की ज़रूरत है, गाड़ी को ठंडा होने की ज़रूरत है, इसीलिए हम रुके हैं। बाय द वे इसके सूट्स हमने काफ़ी सारे लिए हैं, अब मुझे पता नहीं है कि इसके सूट्स आए कैसे हैं, वो तो एडिटिंग करने बैठूंगा तब पता चलेगा। तो आप बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं। बाकी अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे अगर ठीक ठाक गाड़ी चली तो, क्योंकि अब गाड़ी का थोड़ा लग रहा है मेरे को लोचा आ रहा है गाड़ी में, अब जो भी है शायद ब्रेक सोल इसका फंस रहा है। बट अब जाके वहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन है, जैसे जाते हैं वहाँ पे देखेंगे क्या सीन है।
तो अभी इसका सीन आप बता देना कि ये कैसा लग रहा है आपको, बाकी हम देखते हैं कब तक पहुंचते हैं वहाँ पे। अरे बंद रहने दो, रहने दो, रहने दो, गर्म हो गया शायद, शायद वो भी फंस रहा है, ब्रेक फंस रहा है इसका, दिखा ब्रेक फंस रहा है उसका, देखो तो उसको पीछे होना चाहिए ना। वैसे गाड़ी हम देख के वैसे ही जा रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रही है गाड़ी, पहली बार ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने गाड़ी पे, लेकिन अब जैसा भी है पहुंचना भी जरूरी है वहाँ पे, साथ ही साथ वहाँ पे रह के दिखाएंगे किसी मैकेनिक से कि ये क्या दिक्कत आ रहा है इसमें, क्या लोचा हो गया, दो तीन दिनों पहले ही सर्विसिंग कराई है गाड़ी की, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। अभी हम अपने गाड़ी को इस मेन रोड के थ्रू यहाँ तक तो लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम रुकेंगे क्योंकि वहाँ पे मेन रोड पे था और यहाँ पे थोड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, तब तक इसे ठंडा होने के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या सीन हो रहा है यार इस गाड़ी के साथ। कैसा है? बहुत स्पाइसी, बहुत मस्त लग रहा है। तो अभी हमने अपना समोसा जो है वो खा लिया है और लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं बाइक को लगाए हुए, अभी देख लेते हैं कि बाइक चालू हो रही है कि नहीं हो रही, और हो रही है तो क्या दिक्कत हो रहा है सब देखते हैं यार, ये पता नहीं गाड़ी में क्या दिक्कत आ गई। बैठो 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 बैठो। A few moments later. एक सैड न्यूज़ है कि गाड़ी शुरू होने का नाम नहीं ले रही है, चालू होकर बंद हो जा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है गाड़ी में, लेकिन अभी मुंह जो है सूख गया है कि अब क्या पता चालू होगा अभी कि नहीं, थोड़ा देखो तो चालू करते हैं एक बार, दिखा भी। बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, गर्म है भैया बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर रुकेंगे और इंतज़ार करेंगे अब बाकी। तो फाइनली पहुंच गए हम अपने स्कूल पे, अब चलते हैं अंदर और काम करा के निकलते हैं बाहर। A few moments later. तो फाइनली जो हमारा पूरा का पूरा काम है वो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी फिर से एक नया तारीख मिल गया, तारीख पे तारीख मिलता ही जा रहा है, और अब जो है वो गाड़ी को ले चलेंगे और इसको भी दिखाएंगे, काम हमारे लिस्ट में नहीं था लेकिन अब पड़ गया काम तो फिर दिखाना ही है, तो अब चलते हैं पहले इसको ले चल के दिखाते हैं फिर पता करेंगे कौन सी प्रॉब्लम है इसमें। तो अब आते वक्त सीधे आपको आधे रास्ते के बाद से ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ मैं, और इस बार दूसरे रास्ते से जा रहे क्योंकि वो वाला रास्ता बहुत ही ख़राब था, तो हमने सर्च किया, ये वाला रोड थोड़ा 5-6 किलोमीटर ज़्यादा है बट अच्छा है उससे काफ़ी ज़्यादा, और ये जो गाड़ी है हमारी, ये गाड़ी कितनी सस्पेंस में हम लोगों को डाल रखी थी, हमने सोचा ये कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, इंजन में कोई दिक्कत है, फिर लगा कि तेल ख़त्म है, अप डाउन करके चल रही थी, तो इतना तो पता था कि तेल की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रुकी गाड़ी, तो मैं वैसे ही आके अरेंज करके तेल लेके गया, फिर कैसे भी करके इसमें भरा हमने, फिर 2-3 बार कोशिश करने के बाद गाड़ी चालू हुई, फिर 1-1.5 किलोमीटर चली आगे, फिर एक मार्केट में आके बंद हुई, पहले लग रहा था बिल्लो तू आग है, मतलब गर्म हो चुकी है, बाद में चला कि स्पार्क प्लग ही ख़राब है इसका, तो मुझे लगा कि नहीं बिल्लो तू आग नहीं है, ये थोड़ा अभी कंट्रोल में है, अभी जो हमने स्पार्क प्लग चेंज करा दिया, इसका तेल में टैंक इसका फुल करा दिया हमने, और अब हम आ चुके हैं, अभी ये जो हम हैं रास्ते पे हैं, जो इस रास्ते पे ये जाएगा सीधे हम लोगों को लेके भाटपार रानी, और भाटपार रानी में जाके कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि सुबह से बिना कुछ खाए पिए हैं, 3:30 हो रहा है, तो कुछ खाएंगे पिएंगे और निकलेंगे घर, देखते हैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखेगा आपको तो दिखाएंगे, वरना वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए रोटी, स्पेशल टाइप रोटी।